मेरा निकल गया है। निकल गया? हाँ, पत्ता। हाँ, 21 से लेकर 23। अच्छा, आमोस। हाँ, आमोस निकल गया, पांचवा अध्याय। हाँ हाँ, उसका 21 से लेकर 23 पेज नंबर बताना। 1069। हाँ, मैं तुम्हारे पांव से बैर रखता। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। उन्हें बेफालतू का और निकम्मा जानता हूँ। पर्वों का मतलब समझ रहे हैं? और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। हाँ, ये तो इसराइलियों के लिए पर्व बनाए थे, जो वो उन पर्वों में धूम धड़ाका चलता था। ठीक है, परमेश्वर तुम मेरे लिए होम बलि और अनबलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा। तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, कुछ भी कर लो। तो ये होम बलि तो इन लोगों ने अपना आप ही चढ़ानी शुरू करी है। ठीक है, आगे पशु बलि, पशुओं के होम मेल बलि की। हाँ, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अनबलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। जी, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। आमीन। तुम्हारी सरंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु बस, थैंक यू। 21 से 23 में ये मैं नहीं कह रहा, इसका मकसद है परमेश्वर का साफ कहना, अबे चापलूसी कम कर ले भाई, मत कर। ये जो तू बजा पड़ा ना तानपुरा लेके हर संडे ढपला, धू चल रहा है हिसाब किताब है। चला भाई साहब, वो रहम करो मुझ पर। परमेश्वर ये कहना चाहता है, रहम करो मुझ पर। और ये जो तुम ऑफरिंग संडे मना रहे हो, ये तुम्हारा जो चल रहा है सब सिस्टम, इनसे मैं बैर रखता हूं। अब मैं उघा गया हूं इन चीजों से। और पेंटेकोस्टल्स या जो भी और करते हैं इन चीजों से, वो टोटल इन चीजों को अपने आप को जांचे इस वचन से कि क्या परमेश्वर इन चीजों को मैच कर रहा है। मैं मानता हूं ये सब चीजें होनी चाहिए, वर्शिप का अपना एक तरीका होना चाहिए है, परमेश्वर को गिफ्ट, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देने का अपना तरीका होना चाहिए। लेकिन ये बात पर फोकस करना चाहिए कि क्या खुदावंद को मेरा तारीफ करना पसंद आ रहा है, क्या खुदावंद को मेरा गाना बजाना पसंद आ रहा है, क्या खुदावंद को मैं जो दे रहा हूं वो यीशु को भा रहा है। लोग परमेश्वर के भवनों में, घरों में, आराधनाओं में, पासवानों के साथ, चर्चों के साथ सालों से जुड़े हैं। दादा जुड़े हुए थे तो पोता भी उसी में जुड़ा हुआ है। अब इतने दादा से लेकर पोते तक, दादा से लेकर पोते तक उस भवन में जुड़ा हुआ है। अब वो खानदानी भवन बन गया है ना। उस खानदानी भवन में, उस खानदानी चर्च में यीशु मसीह ने में उसमें आशीष क्या मिली है, उसको ब्लेसिंग क्या मिली है, उसका लाभ क्या हुआ है ना। खाना नहीं समझ रहे हैं? नाना जी आए, दादा जी आए, फिर उसके बाद वो पोता भी उसी चर्च में जुड़ा हुआ है, पीढ़ियां उसमें चल रही हैं। और नहीं तो 2 साल 5 साल से किसी चर्च से जुड़े हुए हैं, किसी पासवान से जुड़े हुए हैं, वहां हम जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वहां हर चीज में इन्वॉल्व है। लेकिन प्रभु ने वहां पर उस परिवार को आशीष क्या दी है, उसमें तरक्की क्या आई है, आत्मिक लाभ क्या हुआ है, ये जांचने और देखने वाला विषय है। उसके बाद धीरे 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 परमेश्वर ने, अब जो हम ये टाइम देख रहे हैं, अब इसमें सारे बीज या सारे अभिषेक के लोग फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। अब हमारे सामने एक से कद्दावर आप देख लीजिए, मैथोडिस्ट भी चल रहा है, CNI भी है, MCI भी है, और ECI भी है, और पेंटेकोस्टल्स भी हैं, और बहुत सारे प्रभु के जन अपने अपने इंडिपेंडेंट या आत्मिक रूप से, स्वतंत्र रूप से सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आजकल जो मोस्ट प्रोबेबली जो पुराने लोग हैं या और जो प्रभु में विश्वास करते हैं, इसमें फिर विघटन शुरू हो गया। फिर इसमें दुष्ट ने, छिदीलाल ने और एक काम करा, ठीक है, बपतिस्मे में मतभेद कर लो, कहीं छीटे का, कहीं डुबकी का, कहीं झंडे का, कहीं इसका, कहीं उसका बपतिस्मा चल रहा है, इस पर बटे हुए हैं। फिर प्रभु भोज पर विघटन कर लो, है ना, कोई ब्रेड चला रहा है, कोई शराब चला, नीट रम चल रही है, ना कोई खालिस रम चलती है, कहीं जूस चल रहा है,
कहीं पानी चल रहा है, हैं? प्रभु भोज में लोग बटे हुए हैं, फिर उसके बाद वचन में लोग बटे हुए हैं, फास्टिंग में, लेंट्स के सीजन की फास्टिंग नहीं करते हैं, है ना। कई पासवान हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, अब वो हम 40 दिन के रोजे नहीं मनाते हैं। मत मनाओ, यीशु मसीह टांग थोड़ी ना देगा तुम्हें क्रूस पे, मैं मना रहा हूँ, या मुझे थप्पड़ थोड़ी ना मार देगा। तू क्यों कर रहा है, मेरा भाई मेरा बेटा वो तो नहीं कर रहा है, लेकिन रॉन्ग वो है, बिब्लिकल तरीके से बिल्कुल गलत है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपसे और मुझसे जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे सोचने से पहले 200 साल पहले परमेश्वर के एक दास ने, जॉन गैगरी ने, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर से वचन मांगा कि खुदावन आज मेरे सामने तेरी हैकल खाली है, आज मेरे सामने मैं देख रहा हूं तूने मुझे इस पद पर बैठा रखा है, जिस इतने बड़े पद पर मुझे पहुंचाया है तेरे लोगों की सेवा और देखरेख करने के लिए, आज तेरे लोगों को देख रहा हूं कि अंधकार में शैतान ने उनको भटका दिया है। उस दौर में टीवी वगैरह तो नहीं थे, लेकिन रेवोल्यूशन चल रहा था, लोग पैसा कमाने और नई नई चीजों की खोज में लगे हुए थे। उस दौर में ही सारी चीजों का आप डेवलपमेंट देखेंगे, सुई से लेकर जहाज तक का, इन 200 सालों के अंदर ही सुई से लेकर जहाज, रिवॉल्वर बनाना, भाप का इंजन बनाना है, और न्यूटन आया, न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी की वो करी, सब इसी दौर की चीजें हैं। लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो, जो सारे पेंटर वगैरह जो थे, सब इसी इन्हीं के दौर के हैं। इन 200 सालों में बहुत कुछ घटा। उस दास ने बोझ लिया, उस दास ने परमेश्वर की अगुवाई में कहा जी फादर साहब ने तो हाथ खड़े कर दिया, भैया हमें तो समझ आया एक भी सुनने को राजी नहीं है, एक भी सुनने को राजी नहीं। खुदा से भीख मांगी, खुदा से प्रार्थना करी, यसु ने कहा फास्टिंग, ऐसे बात नहीं और करूँगा, पहले खुद से शुरू कर। उसने दिन ठहराया, खुदा के जितने भी उसने फादर, उसका प्रेयर सेल, जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे उसके अंडर में, उसके साथ उसने फास्टिंग प्रेयर बैठाई, और वहां पर प्रार्थनाओं से खुदावन ने उपवास के विषय में मार्ग तैयार करा, और यह सेटअप जॉन गैगरी अपने लोगों के लिए देकर गया। लिखा है परमेश्वर का आत्मा जॉन गैगरी के मन में समाया, उनके सबके मन में समाया, और योएल नबी की किताब दो अध्याय 12 से लेकर 14 वचन के अनुसार मेरे और आपके लिए लैंड सीजन रखा गया। ये किसी मनुष्य की कल्पना नहीं थी कि जी जॉन गैगरी साहब ने बोला ये वाला वचन प्रचार करवा दो अपने अपने भवनों में काम हो जाएगा। कोई भगत और कोई पंडित नहीं था वो। जॉन गैगरी ने बोझ लिया अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पासवानों के लिए, अपने संसार में जितने भी चर्च उसके अंडर में आते थे उन सब के लिए प्रभु का आत्मा से गाइड करा। क्या लिखा है यूएल दो की 12-14 में? तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है कि भी सुनो उपास के साथ, अभी भी सुनो उपास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ कर, अपने वस्त्र को नहीं अपने मन को फाड़ कर। पेज नंबर बता दो, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख देकर पस्तान हारा, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की अनबली और अर्थ दिया जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो ये आप लोगों के और स्वयं की जानकारी मैं दे रहा हूँ कि कोई भी आपसे पूछे कि लैंड सीजन क्या होता है, या ये उपवास की प्रार्थना क्यों रखते हो भाई साहब, किस विषय में रखते हैं, तो मैं और आप ये बता सकें कि योएल नबी 2:12-14 वचन के अनुसार ये सीजन परमेश्वर ने अपने लोगों को पहुँचाया। जॉन गैगरी ने परमेश्वर के वचन को रिसीव करा और पासवानों को दिया, पूरे चर्च के अंदर ये इस बात का आह्वान किया गया कि आप और हम सब 40 दिन का फास्टिंग करेंगे। अभी भी वक्त है, अब देखो ये बीता नहीं है, वचन आज भी ऐसे लिखा है अभी भी सुनो। अगर ये जॉन गैगरी के टाइम में होता तो लिखा होता कि सुन लो, सुन लेते, लेकिन लिखा अभी भी सुनो। 2024 में मैं पढ़ रहा हूँ तो
आज इस 2024 में भी वो कहता है कि अभी भी सुन लो, मौका है, मौका है। तो और दूसरा, जो पासवान जो लोग फास्टिंग अवॉइड करते हैं उनके अंदर इवल फोर्स है, दुष्ट आत्मा है, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, लोग प्रार्थना करते हैं, गुड है, यीशु ने भी की। ठीक है, लोग फास्टिंग नहीं करते हैं, आजादी समझते हैं, लेकिन यहाँ रहोगे, यहाँ यीशु मसीह ने फास्टिंग की हुई है। ठीक है, जब वो मिनिस्ट्री में आने वाला था 30 साल होते ही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा, अब चलो जी नमस्ते करो, घर की मिनिस्ट्री तुम्हारी हो गई, बहुत सारी तुमने टेबलें और कुर्सियां बना ली, ठीक है अब खत्म करो कहानी, अब यीशु मसीह आपको सेवा करनी है। 30 साल का होते ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जितने भी बेंचे और टेबल उन्होंने बनानी थी बना दी। पापा को बोला, ये देखो मैंने उधर उसका ऑर्डर पूरा कर दिया, उसका ऑर्डर पूरा कर दिया, मैं जा रहा हूँ प्रभु की परमेश्वर की सेवा में। 30 साल के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है कि उनको मत्ती 4 अध्याय और लूका 4 अध्याय बाद में पढ़ लेना, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर बपतिस्मा जैसे ही हुआ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनको जंगल में छोड़ दिया कि उसकी इंग्लिश के द्वारा परीक्षा की जाए। हाँ, परीक्षा हो, और परीक्षा भी कोई आम आदमी नहीं लेगा, स्टेटस के हिसाब से लेगा, है ना। मेरा और आपका स्टेटस छेदीलाल को बहुत अच्छे से पता है कि यह कौन से वाली दुष्ट आत्मा से दो मिनट में ढेर हो सकता है, उसे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को उंगली उंगली पकड़ाई, अरे बेटा जाओ, टाटा, ओके, बाय बाय, इस लाइन के बाहर हम नहीं जा सकते, आप जाओ। और यीशु मसीह उस जंगल में जैसे ही एंटर करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ढोल ताशे लेकर बज रहा था, वे आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। 40 दिन के फास्टिंग, जैसे ही यीशु मसीह एंटर किया, बैक टू बैक, आप बाद में पढ़ना, यीशु मसीह में कुल 3 परीक्षाएं हैं बड़ी बड़ी, शैतान ने जो या छेदीलाल ने जो यीशु की परीक्षाएं करी वो 3 मोटी मोटी लिखी हैं, लेकिन 40 दिन में बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, है ना। अब यहाँ पर हम विश्वासी उपवास नहीं रखते हैं, लेकिन जॉन गैगरी जिन्होंने ये परमेश्वर से योएल नबी के से लिखा है, यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करें, लिखा है कि सुनो परमेश्वर का वचन सुनो, वो ये कहता है कि अभी भी वक्त है, प्रार्थना करते हुए अपने कपड़ों को फाड़ कर आओ, ऐसा लिखा था वचन में, प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए, आप प्रार्थना रखते हो उपवास नहीं रखते हो। प्रार्थना कहता है यीशु कि प्रार्थना मेरे जरिए आप जा सकती है परमेश्वर के पास, लेकिन आपको अगर परमेश्वर के पास डायरेक्ट मैसेज भेजना है तो वी शुड बी ऑन फास्ट, हमें फास्ट पर होना चाहिए। पैटर्न आप मतलब कुछ चीजों को आपने तरीके से समझना पड़ेगा, गेम प्लान क्या है। परमेश्वर से आशीष लेने के लिए यीशु मसीह ने क्राइटेरिया एक तरीका दिखाया कि आप कान को दो, कान तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, और कान हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ये ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा ये वह लगेगा डिस्टर्बेंस है, कान ऐसे भी पकड़ सकते भाई, ऐसे क्यों पकड़ रहे, ठीक है, लेकिन उपवास हमारा परमेश्वर देखता है। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा प्रार्थना देखना नहीं चाहता हूं, ना प्रार्थना तुम्हारी सुनना चाहता हूं, ना तुम्हारी प्रार्थना से मैं देख पाऊंगा, ना ही तुम्हारे गीत भजन जो भी तुम करते हो वो देख पाऊंगा, मैं तुम्हारा फास्ट देखना चाहता हूं। और जब परमेश्वर ने हम फास्ट रखते हैं तो ये चीजें ऑकवर्ड करती हैं, ये जब हम फास्ट पर होते हैं तो फिर इस संसार का हाकिम, इस संसार का जो दुष्ट है छेदीलाल, वो कहता है कि ओहो, इसका मतलब ये भी यीशु के साथ फील्ड में आ गया, मार्ग इस पे आ गया है। और पहले तो फास्टिंग जो लोग रखते हैं एक एक दिन की, वो कंटिन्यू ये 40 दिन के बाद हम भी हफ्ते में एक बार रखते हैं। फास्ट रखना अच्छी बात है, फास्ट में दो तरीके से, शारीरिक तरीके से भी लाभ होता है और आत्मिक तरीके से भी लाभ होते हैं। कई विश्वासियों को पादरियों ने आजाद कर रखा है, है ना, इतने मोटे मोटे पेट लेकर बैठे हैं, है? इतने बड़े बड़े वजन लेकर बैठे हैं, फास्ट रखने के नाम से डर जाते हैं, आजाद कर देते हैं अपने और लोगों को,
ठीक है, लेकिन बाइबल जितना अहमियत प्रार्थना को देती है उससे कहीं ज्यादा अहमियत उपवास को देती है। और हम एक एक उपवास रखते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा आसान कर दिया, लेकिन आप यीशु को देखें 40 दिन का फास्ट जब उसने तैयार करा, शैतान को हराया, जैसे ही वो 40 दिन का फास्ट करके बाहर आया, यहाँ पर तो निराहार रहा, मैं और प्रीति तो और जो हम तो 24 घंटे में एक बार खाते हैं, आज रात को खाएंगे फिर कल रात को खाएंगे, चाय पानी अलग चल जाता है, लेकिन यीशु पूरे 40 दिन निराहार रहा है, ठीक है ये, लेकिन भरोसा देता है कि इंसान के जरिए कि 40 दिन अगर कोई बंदा रखना चाहे निराहार रख सकता है, मरने नहीं देगा यीशु। लेकिन एक मनुष्य जाति की तरफ से ये दिखाना चाहता था परमेश्वर कि देख एक नॉर्मल मेरा बेटा कर सकता है, तो कोई तुम दो बेटे बेटी क्यों नहीं कर सकते। यीशु कामिल, एक कामिल इंसान रहा, कामिल खुदा रहा, लेकिन एक इंसान के रूप में वो परीक्षा में जाता है, शैतान से उसकी परीक्षा होती है, 3 परीक्षाएं लिखी हुई हैं, लेकिन 40 दिन उसकी लगातार परीक्षा होती है, और इन 40 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा परमेश्वर को अभिषेक देते हैं, 40 दिन के बाद जैसे ही वो परीक्षा पार करके आता है तो लिखा है कि खुदा की सामर्थ उस पर आ गई, प्रभु का हाथ उसके साथ हो लिया, और फिर उसने मिरेकल शुरू करे। इस बात का आभास इसराइल को और लोगों को दर्शा दिया कि यस यशया 61 अब पूरा हो गया है, जहां यशया 61 में यशया नबी कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है ना, वो बात परमेश्वर ने फिर पूरी कर दी यीशु के द्वारा कि ये वचन अब पूरा हो गया है। 40 दिन के बाद अगर 40 दिन का जो उपवास जो बेटा बेटी रखता है, मैं ये विश्वास करता हूं कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग यीशु मसीह उसको देता है, देना चाहता है, लेकिन ये 40 दिन का पीरियड होता है, ये बहुत ज्यादा कठिन रास्ता होता है, ठीक है। अभी मैं 40 दिन में मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे संसारी तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, ठीक है, और भी दूसरे जो लोग रहे हैं उनकी भी जीवन में हो रही होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु हमारे साथ नहीं या हम हार मान लें। अब तो खैर 8-10 साल से लगातार रख रहे हैं, लेकिन जो भी रखता है शुरुआती दिनों में उनके साथ बहुत सारी चीजों की होती है, प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 दिन अपने दिल आत्मा मन प्राण और जुबान पर कंट्रोल रखना होता है और सबको माफ करना होता है और बहुत सारी चीजें यीशु भी जुड़ जाती हैं। तो ये लेंट्स की जो सीजन है ये तभी हम आशीर्वाद यीशु का ले सकते हैं, परमेश्वर की बड़ी आशीष पा सकते हैं जब हम यीशु के टर्म्स कंडीशंस पर पा सकें, यीशु के टर्म्स और कंडीशन पर चल सकें। प्रार्थना हम करते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं, फास्टिंग करते हैं, और अगर हम लेंट सीजन में चल रहे हैं, अब जैसे कई चर्चों में प्रचार होता है लेंट सीजन का, हम भी जब जुड़े थे चर्च से तो हम भी करते थे, घर में दुआएं रखते हैं, वो इसलिए तो कहा जाता है कि लेंट्स के सीजन मुबारक होते हैं, क्यों, क्योंकि इसे कनेक्ट करा था कि यीशु ने मेरे लिए और आपके घर घराने के लिए अपने आप को तैयार किया, इसीलिए घर के अंदर प्रार्थना रखते हैं लेंट सीजन की। मैंने आपको बताया कि फसह से 40 दिन पीछे वो काउंट करते हैं और उसको लेंट सीजन में तोलते हैं, बना देते हैं, क्यों, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन के लिए पूरे संसार के साथ साथ तो संसार में हम भी आ गए, तो उसका मतलब है कि उस 40 दिन के लिए यीशु ने मेरे लिए, मेरे घर घराने के लिए, मेरे परिवार के लिए भी अपने आप को तैयार किया था। वही तरीका है रोमन्स कैथलिक भी मनाते हैं, लेकिन वो कई घरों में आप देखेंगे उनके फोटो में उल्टी कर देते हैं, जीवन उल्टा नहीं करते हैं, जीवन नहीं उधारते हैं, फोटो उल्टी हो जाएगी, फोटो पे कपड़े डल जाएंगे, है ना, जीवन में कपड़े नहीं डलते हैं, कर्मों पे कपड़े नहीं डलते हैं, वो बेसिक चीजें दिखाने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। और जो चर्चों में और भवनों में प्रचार होता है लेंट सीजन की, दुआ रखवा लो जी, दुआ रखवा लो, इसने रखवाई, इसने भी रखवाई है, चलो मेरा भी टेक दे, उनने भी रख दी, अच्छा इसने भी रखी है, मेरा भी टेक दे, मुंह देखी देखी दुआएं कराते हैं, है ना। मेरे घर में भी जब लैंडस्केप भी होता है, एक ही प्रचारक भेजते थे, एक ही प्रचारक हर साल, प्रचारक एक ही, अब मैंने कहा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार छः बार हो गया, मैंने कहा भैया पादरी साहब और घरों के लिए प्रचार करेगा, मेरे घर के लिए मिलेगा, नहीं चाहिए पादरी साहब, नमस्ते करो हटाओ, मुंह देखा न्याय नहीं चाहिए, पादरी करेगा तो मेरे घर में प्रचार करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा,
सबसे बड़ी बात होती है कि खुदा का खादिम, जिसको हम मान सम्मान दे रहे हैं कि खुदा का दास है, ठीक है, प्रभु का अभिषेक और जनों में होता है, और यह अभिषेक फिर दिखावटी और मतलबी पन वाला क्यों है ना? तू उसके यहाँ तू प्रचार कर लियो, उसके यहाँ तू कर लियो, बाद में मैं बोल दूंगा, ये क्या तरीका होता है? हर एक बात मसा में होती है, मसा समझते हैं, अभिषेक के अंदर है ना। बेसिक पॉइंट वही आता है कि लेंट सीजन के अंदर आप इंटेंशन यही दिखा रहे हैं कि प्रभु मैं अपने घर में दुआ करता हूं। कई लोग तो देखा देखी रख लेते हैं है ना जी, उसमें कुछ भी नहीं है, जीरो अंडा रिजल्ट। लेकिन आप उसमें जो लोग प्रभु की गाइडेंस के अंदर प्रार्थना रखवाते हैं, बात उसमें है, बात मसीह की उसमें है कि आप प्रार्थना में बैठे हैं, आप इस बात को रिमाइंड कर रहे हैं कि प्रभु 40 दिन की फास्टिंग में तूने मेरे घर घराने के लिए अपने आप को तैयार किया। ये दुख के दिन इसलिए बोले जाते हैं, दुनिया के लिए दुख का दिन है, गुड फ्राइडे है, दुनिया के लिए टंगा था, लेकिन सारा सभी इंसानों गुड फ्राइडे वाले दिन क्या करते हैं, अपने आप को ये महसूस करते हैं ना कि उसने मेरे लिए जान दी है ना जी। इसीलिए दुख के दिन में इस बात की मनादी करनी चाहिए कि प्रभु तूने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए दुख उठाया है, तो मैं इस दुख में आपको शामिल करना चाहता हूं या चाहती हूं। आप बताएं प्रभु कि मैं किस दिन की प्रार्थना अपने घर घराने में करवाऊं। 40 दिन बहुत होते हैं, आज नहीं बोल रहा है कल बोल देगा प्रभु, परसों बोल देगा। ये समझिए, काम तो 3 दिन में ही होता है, आज कल या परसों, वो उसके 3 दिन अपने ऊपर है। 1 दिन 1000 दिन के बराबर है या नहीं? 1 दिन 1000 दिन के बराबर है। महापत्र साहब कहते हैं 1 दिन उसका 1 दिन 1000 दिन के बराबर है। उसमें से कौन से दिन रखा है, वो प्रभु की इच्छा है। तो इन चीजों पर हमें वर्कआउट करना चाहिए, देखना चाहिए, तभी मेरे जीवन में और आपके जीवन में लैंड्स की आशीष या उपवास की प्रार्थना कराने का तो ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं तो वो ढाक के 3 पात आ रहे हैं 20-25 लोग आएंगे, भाई साहब कितने आ जाएंगे, ठीक है बिरयानी ऑर्डर कर देते हैं, तू ये कर दे, तू वो कर दे, आइए गाने गाइए, खाइए पिए, घर कर चलिए। लैंड सीजन का कोई आप तात्पर्य नहीं है, आपने एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज वाली दुआ करवाई है और दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब आता है, जब आप बोझ के साथ यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, अपने घर में आमंत्रित करते हैं। मैं आपको इसका बेसिक पॉइंट ये बताता हूं कि लैंड सीजन एक्चुअली में परमेश्वर योएल नबी के द्वारा ये कहना चाहता है कि आप और मैं अभी भी वक्त है रोते पीटते हुए। अब इसराइलियों के अंदर एक फॉर्मेट था, उनके घर में कोई पहाड़ टूट जाता था, कोई आफत रहती थी, लिया भाई ऐसा करो घर में कितने मेंबर है, 5, ठीक है 5 टाट लिया और मार्केट से और राख लिया 5 किलो बहुत, हाँ 5 किलो लिया, ठीक है, क्या घर घराने से राख वाक इधर से बटोर ली। अब उनका तात्पर्य था ट्रेडिशन बन गया था, जबकि परमेश्वर ने यह मूसा के टाइम में दिया था कि अगर कोई उपवास करे या सिस्टमैटिक, धीरे धीरे ये बदलाव होता चला गया, फिर ये धीरे धीरे ट्रेडिशन बन गया। जैसे उन्होंने जो बलियों का ट्रेडिशन बना लिया था ना, अच्छा चोरी कर ली, अंदर से गिलानी हो रही है कि चोरी मान ली, इसके 10,000 रुपये ले लिए, ओ मूसा साहब ने कहा है कि 2 कबूतर ले जाओ है ना, छूट जाओगे, वहां पर जाकर पुलपिट पे जाके पैसा बोला, पैसा वो उसके 10,000 रुपये मैंने ठग लिए, ठीक है 2 कबूतर ले आए हो, हाँ जी लाए, ठीक है जी। ये ट्रेडिशन बना लिया था, लंगड़ा लूला अंधा वो बलियों पे चढ़ने लगा था। इसीलिए वचन में आमोस में परमेश्वर ने कहना पड़ा कि ये गीते वीते और ये बली वली सब हटाओ, मैं अग गया हूं। और उसके बाद धीरे धीरे इसराइलियों में उपवास के लिए भी एक ट्रेडिशन बन गया, टाट वाले बोरे मार्केट में चलने लगे, जिनको उपवास के लिए चाहिए तो आप बोरे मंगाएं और राख वाख मिले और घर में या घर के बाहर या चौराहे पे आप बैठ जाएं और लोग देखेंगे ओहो उपवास से बैठा हुआ है, ठीक है, हाँ भाई तुम्हारा प्रभु तुम्हारी रखवाली करे, हाँ शालोम तुम पर, और परमेश्वर तुम जिस विषय में तुम उपवास बैठे हो परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे या तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे। ये सब नौटंकियां देखते देखते परमेश्वर ने कहा ये बोरा वारा भी मुझे पसंद नहीं आया, तुम्हारा राग भी पसंद नहीं आया, कुछ भी नहीं पसंद आया। फिर वहां पर यशया 58 आप पढ़ लेना, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वही नौटंकी से भी भर गया था,
बोरे बोरे मार्केट से मंगवा लेते हो, बोरे बने बनाए बिक रहे हैं, है ना। आजकल हमारे टाइम में तो जब स्कूल में था तो मॉडल मॉडल बनाने पड़ते थे, फिर पता लगा हमारे दिनों में कि स्कूलों में बने बनाए मॉडल मिलते हैं दुकानों में, है ना। अब तो 20 रुपये दो, 50 रुपये दो मॉडल, ये वाला मॉडल दे दो जी, जाके स्कूल में जमा करा दिया, नंबर ले लिए, है ना। इसी तरीके से इसराइलियों ने भी बनी बनाई चीजों पर परमेश्वर से नंबर लेने की बना दी। परमेश्वर ने कहा ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, मेहनत करो। फिर धीरे 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 परमेश्वर से लोग इसराइल दूर होता चला गया, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, और इतना दूर हो गया कि वापसी असंभव हो गई। इसीलिए यीशु मसीह जैसे तैसे घसीट घसीट कर घसीट घसीट कर मलाकी तक परमेश्वर ने लाकर सांस में सांस ली, उफ बस करो भाई मलाकी आ गया, अब यीशु देखेगा तुम लोगों को और यीशु जानेगा। इसीलिए मलाकी के बाद नया नियम शुरू होता है, पुराना नियम पे नया नियम भारी पड़ गया। व्यवस्था क्या हुई, पाप बताने वाली होगी, व्यवस्था पाप बताती है। हम रोड पर जा रहे हैं, रोड पर जो लाइन खींची है उधर अगर हम दिख रही है लाल लाल बत्ती लगी हुई है और लाल बत्ती को क्रॉस कर दिया तो गौरव लाल बत्ती क्रॉस कर दी तो चालान कट गया। उसी तरीके से व्यवस्था पूरे तरीके से चालान है। ये चीज सोची, ये चीज सोची, चालान कट गया है, श्राप आ गया, ये चीज हो गई। उन सब चालानों से यीशु मसीह ने बरी करा दिया, सारा चालान पेट कर दिया। इसीलिए नई व्यवस्था फिर यीशु मसीह शुरू हुई, इसलिए इसको कहा गया नया नियम। विश्वास पर हर चीज हमारे लिए प्रभु ने छुटकारे के रूप में दे दी। अब लोग विश्वास में अलग अलग तरीके से आजाद हो गए, कोई बपतिस्मे को नहीं मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है, कोई वर्दी को नहीं मानता है, कोई गीतों को नहीं मानता है, कोई उपवास को नहीं मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। सब अपने अपने तरीके से मसीह में आजादी लेकर घूम रहे हैं, तफरी ले रहे हैं, मौज मार रहे हैं, है ना। वो सबका हिसाब यीशु मसीह बाद में करेगा, लेकिन जो अभी संसार में जी रहा है चल रहा है। उसी तरीके से योएल नबी में जब परमेश्वर से लोग दूर हो गए, लेकिन गुप्त तरीके से परमेश्वर ने उपवास के द्वारा अपने लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। जैसे यीशु मसीह शालीनता से छुपके से आया, हेरोदेस को भी नहीं पता लगा, पंडितों को भी नहीं पता लगा यरूशलेम के, वो तो मजूसियों ने कान में आके फूका, है ना। अरे वो राजा पैदा हुआ है, राजा पैदा हुआ है कहाँ, पता दारू पी है क्या, भांग पी है। अरे हमने तो सोचा था राजा के महल में होगा, राजा है तो राजा के महल में होगा। उनने कहा भाई हेरोदेस ने, भाई ये तबीयत ठीक नहीं लगी, पंडितों को बुला, पंडित बुला लिए, लाइन हाजिर सारे, हाँ बताओ जी ये कह रहे हैं राजा पैदा हुआ है। और पंडित में भाई गर्दन जाएगी, शास्त्र खोल लो, और ये हेरोदेस तो आई सन की, ये बक्कल उतार देता है गला सीधा, शास्त्र वास्त्र खोले, कह रहा हाँ 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 हाँ, या यशायाह नबी में लिखा हुआ है कि एक कुंवारी कुंवारी गर्भवती, अबे भाई मेरी तो वाइफ है, और ये बच्चे कहाँ से, क्या सिस्टम है ये, है सारे शास्त्र में जो सरकारी पंडित में सबकी आफत आ गई। मजूसी तो कह रहे बताइए रास्ता बताओ भाई, हमें कहाँ किसके घर हुआ है, सारे हबड़ तबड़ मच गई रात के अंदर, है तो मजूसी ने कान में फूक के चले गए थे। पता लगा वो राजा साहब ने कहा हेरोदेस साहब ने, भाई तब तक तुम ढूंढो मजूसियों को मक्खन लगा खाना वाना खाओ ठीक है, और जाते समय उनको जो भी सोना चांदी दिया, ऐसा है वो राजा साहब मिले मुझे ही बताना, मैं भी आऊँगा, है ना। वो तो खैर जिज्ञासा ले रहा था उसकी कहाँ मिला है, ताकि फटाफट उसको निपटा दूँ, है ना। उसकी अपनी अपनी एक सोची प्लानिंग चल रही थी, लेकिन तारा उनको कहीं और ले गया, पहले तारा राजा के पास ले गया, फिर समाचार सुना सके ठीक है, फिर तारा उनको कहाँ ले गया, अस्तबल में, है ना, जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ, हाँ गौशाला में ठीक है। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ परमेश्वर ने उपवास के द्वारा छुपाकर इसराइल में नबियों के द्वारा इसराइल को भी दिया और हमें भी दिया। लिखा है कि अभी भी समय है, हम उपवास के साथ परमेश्वर के आगे रोते पीटते, है ना, इसराइल में क्या कहते थे, कपड़े फाड़ने पड़ते थे, दुख जबरदस्ती दिखाना पड़ता था, वो लोग तो देखते ही देखते थे, लेकिन दिखाना परमेश्वर को होना था। अब यहाँ से फाड़ रहे हैं, अंदर से फटे नहीं है, है ना। वो कह रहा है अबे ओवर एक्टिंग बहुत हो गई ओवर एक्टिंग, ये सिस्टम चल पड़ा था वहाँ, तो परमेश्वर को सब चीजें हटानी पड़ी। परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरा यहाँ से फटा हुआ दिल चाहिए, अब वो यहाँ से तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि जन्मजात वही चीजें रस गई हैं, बस गई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे करेंगे वो, जहां से फीलिंग्स कैसे लाएंगे,
इसीलिए यीशु परमेश्वर ने अपना दिल फाड़ कर दिखाया। आप यकीन माने, अब कल्पना मैं तो करता हूँ कल्पना, जब गुड फ्राइडे आता है मैं देखता हूँ कि परमेश्वर के वचन राजा दाऊद ने कहा है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के आगे बलिदान है, ग्रहण योग्य बलिदान है। अब ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा वर्ष है ये, क्यों? क्योंकि मैं इसलिए गुड फ्राइडे में रियलाइज करता हूँ कि परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए, ठीक है, जब यीशु क्रूसिफिकेशन पे था, मतलब क्रूस पर लटका था 3.5 घंटे, और अमूमन 3 से 3.5 घंटे जिंदगी, ठीक है, माफ कर, उस रात से लेकर उसकी मौत तक एक बाप किस तरीके से अपने बच्चे को उधरता देख सकता है? कोई नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर ने वो जिगर रख के दिखाया। मैं उस परमेश्वर के एंड से, मतलब एक संसारिक बाप के नाते उस फील बात को करना, एक माँ और एक बाप के नाते, कि एक रात से और एक पूरे 12, 13, 16 घंटे यीशु मसीह उसके बेटा जो किसी चीज में गुनेगार नहीं है, उसको ने पूरा उधड़वा दिया। और बाइबल बताती है कि जब यीशु ने प्राण त्यागे, ये परमेश्वर ने अपना फटा हुआ दिल दिखाया, ऊपर उसका दिल फटा और नीचे मंदिर का पर्दा फटा। प्रेज द लॉर्ड। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में किसी इंसान की ताकत नहीं है कि किसी के मंदिर में कुछ जाकर गलत काम कर दे, लेकिन परमेश्वर ने अपने खुद का मंदिर का पर्दा फाड़ दिया कि मेरे बेटे का बलिदान मुझे कबूल है। अब से परमेश्वर यानी हमारा स्वर्गीय पिता सबके लिए अवेलेबल हो चुका है, सबके लिए खुल गया है। पहले इसराइल में पर्दा पड़ा हुआ था, साल में एक बार महायाजक जाता था, साल में एक बार जाता था। सेम फॉर्मेट यही योएल नबी ने जॉन गैगरी को दिया कि क्या तेरे लोग भी 365 दिन में से 40 दिन अपने घर घराने के लिए, अपने परिवार के लिए मेरे सामने लेकर आ सकते हैं? सेम फॉर्मेट है ये कि जैसे इजाली के 12 गोत्र पास्टर सेवा करते थे, वो पर्दे के पीछे साल में एक बार जाना होता था महायाजक को, इसीलिए वो रस्सा बांधा जाता था, और मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी बड़ा याजक जो हाई प्रीस्ट हुआ करता था वो पूरी रात सो नहीं पाता होगा। क्यों? क्योंकि इसराइलियों के तो 12 गोत्रों का तो उसे न्याय चुकाना है, अंदर पर्दे के उस पार जाकर जो भी उसको परमेश्वर ने करना है वो तो करना है, लेकिन खुद के भी दिल साफ होना चाहिए, एक मैल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसका उसके घर घराने का भी बोझ उस पर है, पत्नी, बच्चे, फूफा, मामी, चाचा, ताया, ये भी वो भी, कहां देखेगा? इसीलिए परमेश्वर ने कहा साल में एक बार बेटा तुझे भी, तेरी भी ड्यूटी बनेगी, तेरी भी बक्कल उतारूंगा, घुंघरू बांध के आना। हाँ, इसीलिए वो पूरी रात नहीं सो पाता होगा। इसे कहते हैं रिपेंटेंस नाइट, इसे कहते हैं प्रायश्चित की रात, इसे कहते हैं वो रात जिस समय यीशु मसीह बागे अदन में गया, माफी चाहूंगा, उस बाग में गया है ना, और उसने पिता से आज्ञा मांगी, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी बात दिल की रखनी चाहिए कि हे पिता, अगर तू चाहे ये कटोरा हटा दे। परमेश्वर ने कटोरा हटाया नहीं, सामने रखा, खोला या देखा, कटोरा रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कटोरा हटा ले, खोल के या देखा जाए, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि कटोरा नहीं हटा, कटोरा पीना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरी बार भी वही प्रार्थना करी, पिता अगर तू ये चाहे तो ये कटोरा हटा ले, फिर प्रार्थना करी। हम तो अमूमन आंख बंद करके करते हैं प्रार्थना, लेकिन यीशु आंख खोलकर प्रार्थना करता था। आप कोई भी बात पढ़ लेना, यीशु आंखें खोल के प्रार्थना करता था। इस बात को मैं भी समझती, मैं कभी कभी आंखें खोल के प्रार्थना करती हूँ। तो आंखें खोलने पर भी वो कटोरा नहीं हटा। इसका मतलब क्या था कि यीशु के पास ये ऑर्डर परमेश्वर का, उसके पिता का आ चुका है, ये नहीं हटेगा तेरे सिवा, ये नहीं हटेगा बेटा, तेरे सिवाय संसार में कोई नहीं है, ये लास्ट मौका है।
तू ही कर सकता है। और जैसे ही यीशु की यीशु ने कहा, इसीलिए तो यीशु ने हमारी हमारे जो प्रार्थना में हमें जो सिखाई है प्रार्थना, उसमें क्या कहा, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, ताकि तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। ठीक है, और यीशु ने दिखाया स्वर्ग में तू यस कर रहा है, हाँ कर रहा है कि हाँ मैं चाहता हूं, तो मैं जमीन में भी अपने जीवन से यस करके दिखाऊंगा, हाँ मैं करके दिखाऊंगा। और जैसे ही वो आमीन करके बाहर आता है तब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ना, उसको पूरी फिल्म दिखा देता है परमेश्वर आगे उसके अंदर कैसे कैसे होने वाला है। यही सेम तरीका है कि परमेश्वर ने जो महायाजक को हाई प्रीस्ट को ये बोला था कि साल में एक बार तेरी भी पेशी चाहिए, तू नहीं बच सकता, तू क्या सोच रहा है कि 12 गोत्रों का तू न्याय करेगा, मुर्गे उधेड़ेगा है और इनसे इनके बोरों से अनाज लेगा और टाइथ लेगा दसवांश लेगा और काचे काटेगा मौज लेगा, नहीं जी तेरी भी पेशी चाहिए, साल में एक बार मंदिर पर्दे के इस पार आओ, तीन हिस्से होते थे हाँ पर्दे के इस पार आओ। तो महायाजक के परमेश्वर ने पैटर्न बनाया था मूसा के द्वारा रस्सा बांधने का, और इसराइली उसके अंदर आ नहीं सकते थे, उस पार उनको आवाज आती थी चलने की तो जिंदा है, परमेश्वर ने बोल रखा था कि वो जिंदा है चल रहा है जब तक वो सेवा करने का 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो भी टाइम है काम, घंटे की आवाज आ रही है तो बंदा ओके, घंटे की आवाज बंद है तो बंदा गया। प्रेज द लॉर्ड। और बंदे को जाना नहीं है, कभी मम्मी भाग जाए, कभी पत्नी भाग जाए, बच्चे भाग जाए है ना, चाचा चाचा ताया करके भागना नहीं है, उस बंदे को जो रस्सी बंधी हुई थी खींचना है, हाँ पतंग कट गई है अब रस्सी लपेट लो, बस रस्सी है खींच लो, फिर अगले दिन उनकी संस्कार विधि जो करना कर लो। यहां दिल साफ होना जरूरी था, इसीलिए परमेश्वर के आगे दरबार में आज भी चाहता है परमेश्वर की अपना मन फाड़ कर आओ, क्योंकि उसने अपना मन फाड़ कर दिखाया है। जैसे ही यीशु ने प्राण त्यागा पूरे पूरे देश के अंदर घोर अंधकार छा गया, पूरा घोर अंधकार था, आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था, अंधेरा इतना हो गया था और पर्दा फट गया था। इसीलिए परमेश्वर का राजा दाऊद कहता है कि ग्रहण योग्य टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण होता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह फॉर्मेट निकाला 40 दिन का उपवास हमारे लिए और आपके लिए तैयार करा, कि क्या तुम अपने घर घराने से 40 दिन का बोझ ले सकते हो, आ सकते हो? नहीं 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 भाई साहब, यीशु ने तो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, यीशु ने अब यीशु ने तो कर दिया है, उसने तो बहुत कुछ पूरा कर दिया है, अब तुम क्या करोगे। एक गाना बहुत अच्छा है ना, जान मैंने अपनी दी बेच बाहा, है ना, तू क्या क्या लाया है, तू क्या लाया है मेरे लिए, है ना, हम अपना समय नहीं दे पाते हैं ये प्रभु को, हम अपनी फास्टिंग दे पाते हैं प्रभु को, ठीक है, और बहुत सारी चीजों में झोल माल कर जाते हैं, ठीक है। 40 दिन की फास्टिंग से लोग बचते हैं, देना नहीं मांगते हैं। 40 दिन का फास्टिंग दरअसल इसी बात को प्रकट करता है कि आप और मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से को अगर प्यार करते हैं तो उनको उनके लिए प्रायश्चित कर सकें, ठीक है। नहीं तो इसका फॉर्मेट आप पढ़ लेना, अय्यूब 1 अध्याय पढ़ना, अय्यूब हर दिन घर में प्रार्थना कराता था, और उस बात के अंदर उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा परमेश्वर एक डिग्री उसके टाइट कर रखी थी कि बेटा तू तो प्रार्थना करता है, तेरे बच्चे ना प्रार्थना दुआ में नहीं बैठते, गायब रहते हैं। और लिखा है वचन में कि डेली पार्टी होती थी, पार्टी ऑल नाइट चलती थी उनके उसके बच्चों की, क्योंकि पैसे वाला आदमी था, वो बहुत पैसे वाला था, ओमान कंट्री में गौरव रहा है, वो बाबूजी की कंट्री है, अयूब की, हाँ वो अयूब की कंट्री है, सारे के सारे तेल के कुएं अयूब के ही थे, इतना पैसा था उसके पास, बताइए इतना पैसा था, भूल जाता होगा, मैं तो कहता हूँ वो कहता होगा ले ले यार दो ले ले 8-10 गड्डी ले जा चल, क्योंकि जितनी गड्डी देनी है उससे 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 50 गड्डी फिर आ जानी है, एक घंटे के अंदर गड्डी पे गड्डी आ जा रही है घर के अंदर, क्या करेगा इतने पैसे का। इसलिए उन्होंने फॉर्मेट बना रखा था, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और पाई साहब को तो वही चाहिए, ये भी और ये भी, वो चलने दो चलने दो। अब उसने फॉर्मेट डिग्री ये टाइट कर रखी थी कि उसको आत्मा ने बता रखा कि तेरे बेटे और बेटियां मर्सिडीज में घूमते हैं, ऊंटों पर घूमते हैं,
प्रार्थना में नहीं आते हैं। बाप ने फोन करा, बेटा प्रार्थना है 2 मिनट के लिए। अरे पापा क्या बात कर रहे हो, आ जाएंगे, लेट नाइट आएंगे हम, ठीक है कर लो आप कर लो। उसको आत्मा ने गाइड कर रखा था कि तू अपने परिवार के अपने बच्चों का बोझ ले। वो एक ही बात में पाई साहबों को बुलाता था कि आप मेरे बच्चों को दुआ में रखो, क्योंकि संसार का हाकिम दुष्ट है। इसी बात के विषय में उसके संसार में नहीं स्वर्ग में बात चली। देखा है मेरे दास अय्यूब को बोझ लेता था, आज माओं को बापों को बच्चों के लिए बोझ ही नहीं है। अरे खुद का ही बोझ उठा ले बहुत है ना। आज बच्चों को एक गिलास माँ बाप के लिए पानी देने को राजी नहीं है, ठीक है क्यों? क्योंकि तरीका तुमने गलत बना रखा है। तो जब मैं और आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है तो आपके बच्चे कैसे हो जाएंगे? सीखो ना यूप से। सारी चाबी बाइबल के अंदर ही है, लेकिन चर्चों में प्रचार नहीं होती है। चाहे पादरियों खुद पता हो तो करे ना, पादरियों के बच्चे खुद बिगड़े पड़े हैं। ये तो जमीन है बेटा। नहीं नहीं नहीं, पासवानों के खुद बच्चे बिगड़े पड़े हैं। भाई साहब से आगे बहन भाई कहते हैं, तो भाई साहब दुआ करना, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। कहीं भी कलाम पढ़ लो। भाई साहब मन में क्या, तेरा क्या, मेरा बच्चा खुद नहीं सुनता है मेरी। कहीं भी वचन पढ़ लो अपनी शक्ल दिखाई। और पासवानों में क्या है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, है ना। तो भाई साहब भी सोचते हैं कि पास्टर का बेटा पास्टर, है ना, ये चलता है हिसाब किताब। वो लोग काम बनाते हैं अपने बच्चों को पास्टर ज्यादा है, उनके बच्चे बन ही नहीं पाते पास्टर नहीं पाते नहीं नहीं उनके बच्चे नहीं नहीं। तरीका तो यही चलता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, स्पोर्ट्समैन का बेटा स्पोर्ट्समैन, है ना, फिल्मी वाला बेटा सेलिब्रिटी वाला बेटा सेलिब्रिटी, फिल्में वाला कलाकार फिल्मी कलाकार। ये पैटर्न है, बाय डिफॉल्ट गिफ्ट जनरेट टू जनरेशन जाता है। तो पास्टर का बेटा पास्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अगर बुलाहट नहीं है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, अगर बुलाहट नहीं है, अगर वो बुलाहट में रिजेक्ट हो गया है जो सेवा कर रहा है, तो फिर बेटा नहीं हो जाएगा। रिजेक्ट है तो बच्चा बिगड़ेगा, ठीक है, तब नहीं होगा, क्योंकि कॉलिंग नहीं है। कॉलिंग या तो कॉलिंग थी तो फेल हो गए, बोझ नहीं लिया। पता लगता है कि पाई साहब ने 20 साल 25 साल सेवा करी, फिर पता लग रहा है कि कलीसिया पाई साहब के लिए दुआ कर रही है, क्या हुआ, सीढ़ियों से गिर गए। जो 20 साल प्रभु ने सीढ़ियों से सेवा अच्छा भला रखा था, है वो 21वें साल में सीढ़ी से गिरा देगा, है ना। वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर, तो 20 साल में क्यों नहीं कर रहा, कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए नहीं करा क्योंकि कहावत है कि कौवे को पानी पीना था तो उसने कंकड़ डाला, मटका धीरे धीरे बढ़ता है, तब मिलेगा हाँ, पानी। नहीं नहीं, मटका धीरे धीरे बढ़ता है, वो घड़ा कह लीजिए, तो पानी वो धीरे धीरे हाँ, नहीं नहीं, वो परमेश्वर की बुलाहट को यो सामने ठहरा के वो गलत सलत का मटका धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो 20 साल 25 साल के बाद है ना, फिर आता है रिजल्ट, फूट जाता है मटका। अब इनको इनके लिए दुआएं करो, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं चंगा करने वाला या बीमार करने वाला, विपत्ति ना पूरब से आती ना दक्षिण से आती है, चंगा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी लाइफ के अंदर कोई नहीं सिखाता है, चर्चों में ये चीजें नहीं है, ये बेसिक पंडे हैं, ये बेसिक तरीके हैं कि हम अपने खुदा को अपने यीशु के प्रति कैसे ईमानदार। मैं तो खुद भवनों से जुड़ा हुआ था, मुझे तो कहाँ से कबूतर, कहाँ से खरगोश, कहाँ से गमला, कहाँ से घड़ी, इससे ज्यादा पता ही नहीं था। सही बात है। बाद में पता लगा ऊ से उपवास भी होता है, प्रा से प्रार्थना भी होती है, पा नहीं चलता है, पा के नीचे डंडी खींचो तो बनता है प्रा, फिर बनता है प्रा, बन गया तो प्रार्थना, फिर पता लगा। फिर यीशु ने कहा आगे पढ़ो, प्रार्थना कर रहे हो उपवास रख रहे हो, फिर आगे लिखा है लेने से देना धन्य है, है ना, देना धन्य है, हाँ देना धन्य है बेटा। तो देना भी सीखो, यीशु ने तो अपनी लाइफ दी, तू भी दे, ठीक है। मैं यीशु को क्या दे सकता हूँ वैसे, है ना, अपने टाइथ का, अपने जीवन का, समय का, अपने काम काज का क्या दे सकता हूँ, ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह में चीजें चलती हैं। क्या देते हैं अपने समय, है ना, ऐसा नहीं था समय जो मेरा, जो आप लोगों से बात करने का आज का जो मोटिव है ये है फास्टिंग के विषय में, उपवास के विषय में। और ये लेंट सीजन ऐसी वैसी बात नहीं है कि आप इसको रखो ना रखो, कुछ नहीं होगा, नहीं रखोगे तो भी यीशु मसीह कोई कोई वो नहीं है, रखोगे तो भी यीशु मसीह कोई वो नहीं है। हाँ, यीशु मसीह को इस बात से है
कि अंतोगत्वा मिलेंगे सारे वहीं हिसाब किताब में, सब वहीं मिलेंगे, है ना। ना रखने वाला भी वहीं मिलेगा, रखने वाला भी वहीं मिलेगा, वहीं कटेगी। हाँ, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यीशु मसीह में ईमानदार कौन रहा। दौड़ में सारे दौड़ रहे हैं, लंगड़ा भी दौड़ रहा है, टूटा भी दौड़ रहा है, अंधा भी दौड़ रहा है ना, सही हेल्दी इंसान भी दौड़ रहा है। ये पौलुस कह के गया है कि दौड़ में तो सारे दौड़ते हैं और इनाम एक ही पाएगा। संदे भाई ने बोला था, इनाम तो एक ही पाएगा। अब लेकिन इनाम तो एक दो दिन तो पा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि सबको ही मिलते हैं इनाम। कॉन्सोलेशन प्राइजेस होते नहीं होते हैं, संतावना मैं जुड़ी हुई हूँ ना, संतावना पुरस्कार के ग्रुप में तेरी बात कर रही हूँ, संदे भाई सब का भी है, वो ग्रुप संदे भाई सब का ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है, प्रभु उनके मिनिस्ट्री पर सेवा दया करे, ठीक है, और बढ़ाए। तो फास्टिंग हमारी उपवास प्रार्थना, मेरा मकसद ये है कि हम लैंड सीजन को सेलिब्रेट करें, यहाँ से सेलिब्रेट करें। परमेश्वर कहता है कि आप अपने कपड़े नहीं मन फाड़ कर आओ। जब तक नेहमिया ने भी जब मंदिर टूटे हुए आगे करे थे, उसने भी उपवास करे थे, हाँ, उपवास करे थे योद्धा को बचाने के लिए। हाँ, कोई भी बड़ा काम अपने जीवन में आपको करना है तो उसका फॉर्मेट आप उपवास की नींव रख के ही कर सकते हो। आप ये नहीं समझ सकते कि आपने जी ये बड़ा पहाड़ है तो आप ये अपने जीवन से टाल लेंगे। नहीं, आपका बेस, जैसे घर बनाने के लिए ईंट सीमेंट और गारे की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से आपकी थोड़ा थोड़ा प्रार्थना का मसाला, थोड़ा उपवास का मसाला, थोड़ा वचन का मसाला, थोड़ा संगति का मसाला, ये सब मसाला फिर रद्दा रखो, फिर रद्दा, फिर ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, ईंट के बाद आपके जीवन में परमेश्वर गवाही तैयार करता है। आप एक कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, सब चीज़ें एक से एक दूसरे साथ जुड़ी है। जिस तरह से घर बनाने की ईंट के साथ मसाले की ज़रूरत है, उसी तरीके से प्रार्थना के साथ उपवास की ज़रूरत है, उपवास के साथ लेने से देना की धन्य की ज़रूरत है। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन है तो स्तुति प्रशंसा की ज़रूरत है, स्तुति प्रशंसा की ज़रूरत है तो संगति की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं ये सब चीज़ें। अब ये पाँच उंगलियाँ हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान की पाँच में से अगर एक उंगली चली जाए तो मर थोड़ा ना जाएगा, है ना। अंधा रह अंधा हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, तो जीवन थोड़ा ना खत्म हो जाता है। लेकिन धन्यवाद देने का कारण ये होता है इंसान का, दूसरे का, कि प्रभु आपने हमें इनसे अच्छा रख रखा है, उनसे बेस्ट रख रखा है, है ना। वो बंदा उस फील्ड में घुटते घुटते रह जाता है। एक बड़ी बात देखो, तेरी काट के मैं कह रही हूँ, जैसे अंग अलग अलग बनाया, सबका कार्य अलग अलग है, शॉर्टकट में बता रही हूँ। लेकिन जैसे मान लो अभी उंगली का उदाहरण दिया है, कट गई तो मतलब उसकी पीड़ा सारे शरीर को होती है ना, सारे शरीर महसूस होती है ना, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उसकी परमेश्वर की ऊंचाई, उसकी गहराई और उसकी सच्चाई जिसने जान लिया, उसका भय में रहा जी, वही तो हर एक बॉडी की पीड़ा होती है, है ना। लेकिन हर आम की पीड़ा हाँ, लेकिन जितने भी मिशन या डिनोमिनेशन या मिनिस्ट्रियां हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वो हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, आंख हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि जितने भी डिनोमिनेशन थे, इन्होंने प्रभु से ऊपर अपने आप को समझा, इन्होंने बॉडी नहीं बनाया, सोच रहे हम बॉडी हैं, हम यीशु हैं। और एक बार बताऊं, लिखा ना कि अपने क्रूस उठाकर चल, क्रूस क्या है, क्रूस क्या है, खुदा ने ना हमें अपनी शक्लें बनाए, क्रूस हमें खुद दिया जी। मान लो हम सूली पे टांग दिया है, कैसे टांगे जाएंगे, ऐसे टांगेंगे, ये क्रूस दिया है पूरा शरीर, बिल्कुल ये क्रूस है जो ये बॉडी लिए फिरती, क्रूस है। तो हमारे जीवनों में वो क्रूस अगर हम कह रहे हैं, तो हमारे जीवनों में उस क्रूस को और इसको आदमी इसको स्वतंत्र करके इसको ये मानवता का जीवन नहीं जीना चाहता। मानवता जो है ना वो धर्म है। नहीं, अच्छी बात कह रहा मौसी, लेकिन मेरा आज का ये जो आपकी दुनियावी सारी बात आप कह रहे हो एग्जांपल में, ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें लैंड सीजन में जो लोग बिलीव नहीं करते हैं या जिन लोगों को पता नहीं है, ये हर साल ये आशीर्वादित दिन खोते हैं। सही बात है, नहीं खोना चाहिए, खोते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि 8-10 साल से मैं कंटिन्यू लैंड सीजन को मानता हूँ, करता हूँ, और मेरे अंदर इस बात में जब जैसे ही आने लगते हैं तो एक तैयारी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये 40 दिन
बहुत भयंकर होते हैं। क्या है कि परमेश्वर इस वचन से बुलाहट देता है, आ भाई तेरे लिए आत्मिक तरीके से दरवाजा खोल रहा हूं। लेंस के किस लिए खोल रहे हो कि बेटा एक तो तेरे साल भर के जाने अनजाने में कहने से, बोलने से, हाथ और पैरों से, सोच विचारों से बहुत सारे चालान कटे पड़े हैं, बहुत सारे, ठीक है। चल तेरे तो कम है, ठीक है, लेकिन तुझे अगर पे चिट्ठा बताऊंगा ना तो तुझे प्रार्थना में 10 घंटे बैठना पड़ेगा, तेरी माँ के, तेरी पत्नी के, तेरे बब्बू बेटे के, तेरे दादा के, तेरे मामा के, फूफा के, चाचा के, ताया के, ये तुझे बैठाने के ना, मतलब प्रार्थना में लंबा बैठना पड़ेगा। तब यीशु मसीह, जब मैं सही तरीके से दिल लौर लगा लूंगा, ध्यान लगा लूंगा, तब तो मुझे बही खाते दिखाएगा इतने सारे। तो खुला ऑप्शन वो सीधा सीधा ये देता है, बेटे 40 दिन का मौका दे रहा हूं तुझे, तू तैयार है? हाँ जी तैयार है। तैयार है तो देख बेटा ये गठरी बड़ी है, इसके अंदर सारा है, सारा माल मसाला इसके अंदर है, गुनाहों का, पापों का, तेरे बाप दादाओं की पोटली से लेकर, है ना, तेरी, तेरे घर घराने की, तेरे बाल बच्चों की, जैसे अयूब ने, अयूब के बिना डिबरी टाइट करी, तेरी भी डिबरी टाइट कर, उठा ले ये गठरी और चल चल पड़ बोझ। तो भी इसकी तैयारी होती है। और 40 दिन का योएल नबी के अनुसार परमेश्वर कहता है कि रोते पीटते इसको अपने आप को तैयार करो। इसमें जबूर में दाऊद के लिए लिखा था कि तेरे तेरे घराने के ये रखे हुए हैं, घड़ा घड़ा रखा हुआ है तेरे घराने के लिए, क्योंकि 24 हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिखा वहाँ पे। और कितनी रुए जो है वो कहाँ जाती है, सुरगी जाती है जी। तो ये जो गठरी है प्रायश्चित की, परमेश्वर कहता है कि ये प्रायश्चित की गठरी उठाओगे तो ठीक है, तुम्हारे बच्चों के लिए, बाल बच्चों के लिए रोड मैप अच्छा बन जाएगा तुम्हारे परमेश्वर, क्योंकि 24 इसका परमेश्वर कहता है कि सुनो रोते पीटते मन गाते हुए मेरे पास आओ, है ना, क्या जाने 14वीं आयत में क्या जाने फिर कर, है? मैं तुम पर दया करूं। हाँ, अब आप ये देखें कि इसकी 12, 13 और 14वीं आयत सीधा परमेश्वर को नहीं, सीधा यीशु मसीह को रिलेट करती है। योएल नबी की 2:13 तो परमेश्वर कहता है, लेकिन 13 और 14वीं आयत आप देखें कि आपके आपके और मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ क्वालिटी मैच करती है, नहीं करती है, कि वो क्या जाने वो फिर कर पछताए। 13वीं आयत में कि वो दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अनबली और अर्ध दिया जाए। हाँ, अर्ध क्या चीज है ये? अर्ध अर्घ अर्घ क्या चीज है ये? मैं भी तुझसे पूछना मांग रही थी, तो फिर वो किताब पढ़ता है ना, वो बोल जो पानी देते हैं, पानी जो देते उसको कहते हैं ये वाला, सुबह सुबह उठे। अच्छा अच्छा, ये उसको अर्घ देना कहते हैं। गोधूली गोधूली नहीं नहीं, सुबह और शाम का समय मिलता हुआ। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही, गोधूली ये है थन धो के जो निकालते हैं ना। नहीं नहीं, शाम का, सुबह और शाम का दोनों टाइम मिलते हैं, उसको गोधूली का टाइम कहते हैं। गोधूली होता है शाम का, शाम को जैसे सूरज डूब रहा है और अंधेर चांद निकलने वाला है, तो शाम को, तो वो टाइम को कहते हैं गोधूली। सुबह के टाइम तो देखें आप इसमें 13वीं और 14वीं आयत में परमेश्वर कहता है, देख उपवास, गठरी उठा ले, लेकिन इस बार ये उपवास में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा नया मेरा मेरी व्यवस्था, मेरे नियम तो यीशु ने कर दी सब, बच गया तू, बच गया तेरा घराना, तेरे बाल बच्चे, नहीं तो बढ़िया वाला तुझे वो हिसाब किताब मिलता। क्योंकि परमेश्वर जो जिस पुराने नियम के अनुसार जो परमेश्वर था, वहां पे हाई प्रीस्ट भी नहीं बसता था, जानते थे ना, घुंगरू है ना, वहां परमेश्वर तुरंत न्याय देता था 2 मिनट के अंदर, इधर सोचा इधर बंदा गायब। जो बॉक्स कहाँ रखा हुआ आज, आज भी वो तो स्वर्ग में गया, संदूक, हाँ स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में गया मौसी वो, तो वो इतना डर और भय वाला था कि जब मूसा साहब परमेश्वर से लेकर आए तो किरणें निकल रही थी, सूरज की तरह चमक रहे थे, इसराइली लोग डर गए, भाई साहब हम नहीं देख सकते आपको, उनको पर्दा उनको पर्दा डालना पड़ा, प्रकाशित वाक्य में मौसी के वाचा का संदूक ऊपर है, तो पर्दा डाल के बात करनी पड़ती थी उनको, है ना। मूसा ने कहा मैं परमेश्वर आपको देखना चाहता, परमेश्वर ने कहा बेटा देखेगा ना कोयला बन जाएगा, राख हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो क्या सेकंड में,
हाँ मैं क्रॉस कर जाऊंगा तो पीठ देख सकता है, तो वो पीठ यीशु की देखी थी, क्योंकि सारी महिमा सारी सारी ताकत यीशु मसीह में जो परमेश्वर ने उनको दिखाई थी। और आज भी जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा था वहां आज भी पत्थर काले पड़े हुए हैं, परमेश्वर नहीं उतरा था उसकी ग्लोरी उतरी थी, ताप ही इतना था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता था, दाऊद कहता है कि अगर परमेश्वर उतरेगा तो पृथ्वी भाग जाएगी, देखा है पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने, पृथ्वी भाग जाएगी अगर परमेश्वर ने सोचा भी कि भजनकार कहता है पृथ्वी भाग जाएगी, पृथ्वी भाग जाएगी भजनकार कहता, परमेश्वर ने खुद बनाई है वो इतनी ग्लोरी में है, परमेश्वर का बनाया हुआ एक सूरज बताता है कि दाऊद को उसे अय्यूब से पूछ तो रहा है खुदा, परमेश्वर का बनाया हुआ सूरज का ताप इतना है, चांद पे तो पहुंच गए लेकिन नासा सूरज पे नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे जैसे जितनी ताप में आगे बढ़ता है उनका रॉकेट जल के भस्म हो जाता है। उसका एक और गोला बनाया हुआ पृथ्वी, पृथ्वी कह रहा हूं बृहस्पति, परमेश्वर इतना बड़ा वैज्ञानिक है कि उस पृथ्वी बृहस्पति ग्रह के अंदर 16 पृथ्वी समा सकती है, मतलब दंग हो गया सोच के, 16 एक दो भी नहीं है, दो चार भी नहीं, 16 पृथ्वी घुसेड़ दो उसके अंदर, और एक पृथ्वी इतनी बड़ी है यहां से अगर आप मुझे 2 किलोमीटर बुला लो ना जीप लटक जाएगी मेरी बाहर आ जाएगी, है ना, आप और मैं कहेंगे भाई साहब ये क्या है? नहीं दूरी कितनी है यहां से वहां काली प्यावा आने में 2 घंटे घंटे है, सारी पृथ्वी कितनी बड़ी पृथ्वी है, ऐसी इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा गोला, 16 गोला पृथ्वी बृहस्पति ग्रह के अंदर आ जाए, ब्लैक होल अलग चीज है वो अंतरिक्ष के अंदर उन्होंने देखे हैं। मेरे और आपके टाइम में तो 8 या 9 ग्रह थे, अब 28 से 29 ग्रह ढूंढ लिए नासा ने, वही तो मेरे बच्चों से कहती हूँ, अपनी लड़का से बोलती भैया रे हाँ ये बुरा वक्त है, बुरों के लिए बुरा है अच्छों के लिए अच्छा है, नहीं ये मैं यीशु मसीह में ये चीज देखता हूँ, परमेश्वर बुरों के साथ बुरा है और अच्छे के साथ अच्छा है, जिसको जिसको उसने बढ़िया से सूतना है ना तो बढ़िया तरीके से सूतता है, चल भाई कोई यीशु मसीह वसी नहीं है, चल भाई मामला रफा दफा कर, हाँ जो यीशु मसीह की दया में आ जाते हैं ठीक है भाई, आ रहे मेरे बच्चा मेरे लाल पैर प्यार से संभाल के रखता है ना, नहीं ऐसे आपको दिख जाएंगे कई घराने परिवार ऐसे हैं मसीह में है लेकिन उनके ढाक के 3 पात हुए पड़े हैं, लड़ाई झगड़े कलेश अटरम सटरम सब मिलेगा, क्या मसीह के परिवार नहीं है, लगे जरूर है पीटर जॉन तीतर इजराइल डैनियल फैनियल सब लगे पड़े, लेकिन उनके घरों की जीवनों की गवाही एक से एक है ना, ऐसी बात नहीं है, तो उसमें परमेश्वर उन पर दया चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा क्योंकि पापों के बोझ की गठरी लेने को तैयार नहीं है। अब पाई साहब कितनी बोझ की गठरी उठा लेंगे, संडे उठा सकते हैं संडे उठा सकते हैं, वो भी इन सब सारी दुनिया की बैठी है 50 बंदे बैठे हैं, किस किसी बड़ी गठरी उठाएगा, वो एक ही बार में निपटा देते हैं, हाँ एक ही बार में निपटा देते हैं, है ना। अब पेंटिकॉस्टलिया और जो चर्च में होते हैं वो ये कहते हैं कि तेरी टोपी मेरे सर, मेरी टोपी तेरे सर, तेरी टोपी मेरे सर, भाई फिर मैं वहीं घूम के आ गई है, ये किसको टिकाऊं, फिर वो किसी और को ढूंढते हैं, तो ये टोपी सिस्टम चलता रहता है दुआ प्रार्थनाओं का, क्यों, क्योंकि जब तक इंसान खुद से वर्कआउट नहीं करेगा तब तक घर में समस्या हल नहीं होने की, पासवान को बुला लो चाहे किसी को बुला लीजिए आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, अस्थाई शांति 10 दिन 15 दिन साल 2 साल का फिर उखड़ जाएगी वो, यही सोल्यूशन दिया परमेश्वर ने कि गठरी उठाओ और 40 दिन के लिए निकल जाओ, और जब गठरी उठाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यीशु की तरह तैयारी है, एक मिशन है, मिशन ट्रिप समझते हैं, कहीं पर आपको मुझे भेजा जाए तो हम फिर अरे भाई माँ मौसम कैसा है ठंड ज्यादा है मेरा कंबल भी डाल दियो मेरे हाँ गर्म मोजे भी रख दियो जैकेट भी रख दियो, तैयारी होती नहीं होती, अच्छा याद आ गया वो बुर्ज भी रख देना मेरा गर्म पानी की बोतल 2-4 दवाइयां पूरी मशीन की तैयारी होती है। इसी तरीके से परमेश्वर पहले ही बंच निकाल कर देता है 40 दिन का, और 40 दिन ऐसे नहीं आ गए, 40 इज द ब्लेसिंग वर्ड, 40 नंबर इज द ब्लेसड नंबर, 40 नंबर परमेश्वर का नंबर है बाइबल के अंदर, 40 का अंक जितनी जगह पाते हैं ये परमेश्वर को खुद रिलेट करता है, इसीलिए परमेश्वर ने इसकी शुरुआत परमेश्वर ने दिखाई मूसा के साथ, ऊपर आ जा भाई आप निर्गमन
24 या 24 या 23 में ध्यान ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाओ, क्यों ऊपर आ जाओ, क्यों आ जाओ, ऊपर आ रहा नहीं आ रहा बताऊं तुझे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अच्छा तैयारी करके आ जाओ, नहीं ऐसे ही आ तू, उस समय तो उनको कुछ पता नहीं था कितने दिन के लिए बुला रहा हूँ, है ना, पता होता तो फिर वो भी बकायदा ट्रैकिंग वैकिंग करके खुद से आराम से जाते, है ना। हारून पेस्ट भी दे दियो, ब्रश भी दे दियो, परमेश्वर ऊपर आ जा। पहाड़ जो मकसद है हमारी प्रार्थना है, पहाड़ ऊंचाई पर बुलाया, ऊंचाई प्रार्थना हमें ऊंचाई पर ले जाती है, है ना। और उसके बाद ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद पता लग रहा है कि उन्हें पता ही नहीं लगा कितने दिन बाद उतर रहे हैं, 40 दिन बाद। जब तक नीचे उतरे तो दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी, पहचान में भी गया, मूसा कह रहा ये कौन, हारून साहब कह रहे ये कौन आ रहा है, पहचाना नहीं भाई, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, लग तो मैं मूसा भाई गया था ऊपर, मैं भाई मैं ही हूँ, आप ही हो। नीचे उतरे तो नीचे पता लग रहा है डीजे, और डीजे ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट चल रही है, कह रहा नीचे तो पार्टी की आवाज आ रही है, पार्टी की आवाज आ रही है, पार्टी की आवाज आ रही है, कह रहा हाँ मुझे पार्टी लग रही है, वहां तो गाने वाने चल रहे हैं, हाँ मुझे भी लग रहा है, सुनाई दे रहा है। नीचे पता लगा तो वो बछड़ा बना लिया, बताओ ये लोग मतलब आजादी मिलती है लोगों को यीशु मसीह में तो कुछ भी चलेगा, हैं? आज भी यीशु मसीह में आजादी मिली तो कुछ भी चलेगा, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, है ना। तो वहां बछड़ा बना लिया। अब बताइए, बाइबल बताती है कि जब हम लंबे ट्रिप पे जाते हैं, जब हम लंबी फास्टिंग पर जाते हैं, परमेश्वर बात करता है। पहली बात, परमेश्वर देखता है। दूसरी बात, परमेश्वर बात करता है और परमेश्वर फिर मैनिफेस्टेशन देता है। परमेश्वर को उसने क्या, मूसा को उसने 40 दिन में क्या क्या देके भेजा था, क्या देके भेजा था 40 दिन में, तख्ती। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, मौसी को प्रभु आशीष दे, है ना। 10 दिन में 10 आज्ञा उसने लिख कर दी, और ऐसी बात भी नहीं थी, मूसा डायरी लाया, डायरी डायरी कहाँ बोली थी आपने, पेन लाया, पेन तो लाया होगा, है ना, हमें बुला लेते हैं कहीं मीटिंग हुए, ले भाई पेन सबसे पहले रखो, है ना, नोटिस करने, नोट करने के लिए। बकायदा परमेश्वर ने कहा ऐसे ही आ जा, डायरी मैं खुद दूंगा लिख के, लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिख कर दिया, है ना। और आप देखो बाबूजी इतने बड़े कलाकार, मूसा साहब परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद है, उस सेवक का, उस दास का, उनकी हिमाकत देखो, उनका उनकी हिम्मत देखो, उन्होंने देखा डीजे वाले बाबू और ये सब चल रहा है गाना बजाना, और उन्होंने वो बछड़े पे ही दे मारा धम, बछड़े पे ही वो सारी आज्ञाएं लाकर फोड़ दी उनकी, वो देखो मैं उनकी उनका ना हियाव देखता हूँ, बताओ एक तो परमेश्वर ने लिख कर दी चीजें इतनी मेहनत करके, दे, आओ देखो रहता हूँ धम से तोड़ दिया, तो नहीं खुदा का धन्यवाद है, तो क्या हुआ था धरती में दम सम गया, नहीं, नहीं 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 वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास मूसा पास होता है या फेल होता है। आज परमेश्वर में परमेश्वर के लोग अपने बच्चों के गुनाहों को पर्दा डाल जाते हैं। मूसा तैश में आ गया था, मूसा गुस्से में आ गया था, मूसा ने कहा तुम्हारी ऐसी की धड़ फोड़ दिया उसने, कहा तुम लोग योग्य नहीं हो, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं करूंगा। अब जब परमेश्वर का वो दास गुस्सा करा, उसने आपा खोया, टेस्टिंग में पास हो गया, क्या ये है, ये लड़का ठीक है, मेरी जैसी जलन रखता है। हाँ परमेश्वर जलन रखता है, नहीं रखता है, बाइबल लिखा नहीं लिखा कि मैं भस्म करने वाला जलन रखने वाला ईश्वर हूं, जलन रखने वाला परमेश्वर है। तुरंत पास हो गया, आदम पास नहीं हो पाया, आदम को धर के एक चांटा देना चाहिए था हव्वा के, अगर मूसा वहां, अगर मैं प्रभु में मुझे माफ करे, अगर मूसा को अगर आप अदल बदल कर देते आदम की जगह, तो मूसा धर के देता सीधा, मेरी बहन या मेरी प्रिय तेरी हिम्मत कैसी हुई। वो आज्ञाएं लेकर आया, उसे पता नहीं कितने दिन है, लेकिन 40 दिन में आते ही उसने कान में पड़ा, उसने देखा ड्रामेबाजी चल रही है, उसने जलन दिखाई, परमेश्वर ने उसको पास किया, परमेश्वर ने कहा बेटा मैं सब देख लूंगा, तू हट पीछे, अब तू हट। अब उसने परमेश्वर के दास ने कहा
जो परमेश्वर की ओर का वो इधर आ जाए मेरी तरफ, है ना, ऐसे ही है, बाद में पढ़ लेना। हाँ, ये आया बंदा पादरी वाला हमें हमें बचाने, अबे हम तो खुदा से सीधे बात करते हैं। अच्छा, इधर ऐसी हवा में बात करी, इधर परमेश्वर के लोग लगे, पता लगा जमीन खाली हो गई, दो मिनट के अंदर गए, है अभी तो यहीं खड़ा था, पता लगा वो जमीन सरकनी शुरू हो रही है, जो आसपास के लोग हैं सब जमीन में जा रहे हैं, भाग के फिर मूसा के पास आ रहे हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर का दास अगर मसा में है, परमेश्वर का जन अगर अभिषिक्त है, परमेश्वर का दास अगर यीशु के साथ है, तो उसकी तरफ साइड में उसके साथ खड़े रहना चाहिए। ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह अपने आप सुलट लेगा। इसीलिए ये फास्टिंग उसी तरीके से मूसा के साथ दिखाते हैं कि क्या मेरा बेटा मेरी बेटी मसा ला सकता है वहां से खींच के परमेश्वर के न्याय आसन से, क्योंकि नहीं पता कि हमारे बाल बच्चे गुनाह करके बैठे हैं या कोई चीज के बैठे हैं, हमें नहीं पता है कि दुष्ट आत्माएं कैसे कैसे करके तौर तरीके हमारे घर पे हमारे सिस्टम पर बैठा के रखी हैं, नहीं पता है कि हमारी ब्लेसिंग कहाँ रुकावट बन रही है, कौन सा पहाड़ हमारी जिंदगी में अटका पड़ा है या हमारे बच्चों की लाइफ में अटकेगा। इसीलिए एक बड़ा रोड मैप परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, भाई साहब तू ऊपर आ, है मैं सारे इसराइलियों के लिए सारी आशीष के उनको कनान देश में पहुंचाने के लिए सारा रास्ता तेरे जरिए बनवाता हूं, और उन्होंने बनवा कर दिखाया दिया। यही चीज परमेश्वर ने उपवास के द्वारा मेरे लिए और आपके लिए तैयार की कि 40 दिन के उपवास में हम अपने घर परिवार अपने बाल बच्चों की तरफ से फास्टिंग में आ सकें। जो लोग नहीं रखते हैं उनका कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, ना यीशु मसीह उनको कुछ कह सकता, ना वो यीशु मसीह से कुछ ले सकते। हाँ, जो लोग रखते हैं, मैं रखता हूँ, लेकिन हम मैं अपने परिवार की तरफ से ये विश्वास करता हूँ कि भले ही हमारी टेस्टिंग में हमारे साथ यीशु मसीह हमारा साथ ना दे, लेकिन हमें इस बात का विश्वास है कि यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 33:16-33 पढ़ दीजिए फिर मैं प्रार्थना करूं। यूहन्ना 16 उसकी 33वीं आयत, यूहन्ना नया नियम की चौथी किताब है। कौन सी, क्या मैंने ये बातें तुमसे, मौजी वो पेज नंबर बताना है, 156 नंबर। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु निराशा बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। ये देखो यीशु मसीह कहता है, ये है ना, अच्छा मैंने ये बातें, हाँ पढ़ो मसीह, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु डाढ़ास बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हाँ जी, कहीं यीशु कहीं यीशु कहता है कि तुम्हें संसार में कलेश नहीं होगा, कहीं कहता है तुम्हें संसार में कलेश नहीं होगा, संसार में कलेश नहीं होगा, संसार में है मौसी, कलेश ही है संसार में, है क्या संसार में, क्या कलेश, नहीं नहीं यीशु मसीह वादी गारंटी नहीं देता कि कलेश तुम्हारे, तुम मुझ में आओगे बपतिस्मा लोगे कलेश कलेश कट गया, कलेश वो कहता है कि संसार में जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सच है, सब वो बातें हैं, और ऐसी बात नहीं मैं मुझ में आ रहे हो विश्वास कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो तो कलेश कट जाएगा, कलेश नहीं मिलेगा, कलाम तो कह रहा भाई साहब कलेश तो डबल रीति से आएगा, बढ़िया वाला कलेश मिलेगा, बढ़िया से, हर तरीके से, बाल बच्चों का, गृहस्थी का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, पति का, पत्नी का, कर्जे का, बीमारी का, ये सारा कलेश कुछ ना कुछ लगा रहेगा, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि धैर्य रखना, हिम्मत बांधना, धैर्य रखना, धैर्य नहीं रखते लोग, है अभी देखो कोई भी आप प्रण करना, इस साल रखा हो या नहीं रखा हो, अगले साल रख के देखना, आपका धैर्य पता लग जाएगा उपवास में कितने बढ़िया है, ठीक है। आपको खुद जो फास्टिंग आप रखना चाहें तो आप फास्टिंग एक हफ्ते में एक बार रखकर देखना, आपका धैर्य पता लग जाएगा कितना बढ़िया है। यीशु मसीह कहता है कि कलेश में धैर्य रखना जरूरी है, तभी यीशु कहता है कि मैंने जीत कर दिखाया है, और इस बात का भरोसा देता हूं कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन धैर्य रखना, तुम अपने कलेश में जीत जाओगे, जीत जाओगे। है? यही चीज वो कहता है कि ये गठरी, परमेश्वर कहता है यूहन्ना नबी से अपने बाल बच्चों घर घर आने के लिए, अपने परिवार के लिए ये गठरी पाप की उठा ले,
कलेश तुझे मिलेगा 40 दिन जब तू चलेगा इस पड़ाव में, एक से एक बढ़िया कलेश आएंगे, दुख तकलीफें शरीर पे भी आएगी, पैसे की भी आएगी, रुकावटी भी आएंगी, और नाम धराई भी हो सकता है मिले, और तरह तरह की बातें सुनने को मिले, लेकिन धैर्य रखना ठीक है। इस बार की फास्टिंग नहीं सही, दूसरी बार की फास्टिंग ना सही, तीसरी बार की फास्टिंग, रिजल्ट दूंगा तुझे, और रिजल्ट यीशु मसीह देता है, वो वचन वो प्रॉमिस करता है। कसौटी पे सोना खूब तप जाता है ना, तभी निखरता है। तो आप तपने के लिए कौन तैयार है? वचन तो, वचन तो मैं और आप बहुत सारे जानते हैं, नहीं क्या यीशु मसीह के पैटर्न को जानते हैं। बात यह है हम गीत भजन तो कर लेते हैं, लेकिन हम फास्टिंग 40 दिन की रखकर देखें जरा, कसौटी 40 दिन की फास्टिंग रखकर देखें जरा, आते हैं और आंखें दोनों बाहर आ जाती हैं, आते हैं और आंखें दोनों बाहर आ जाती हैं अंदर अंदर। परमेश्वर का धन्यवाद है। हाँ। मैं अपने लिए कह रही हूँ बॉबी, मैंने कभी नहीं रखे सत्यतारी में, 40 दिन की दुआओं में जरूर रहती थी, मैंने फास्टिंग नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आपकी बार ये कहा कि तू रख, लेकिन मैं कब से रखती हूँ, सुबह उठती हूँ मैं 4 बजे खाना खा लेती हूँ, जब मेरी आफ्टरनून की प्रार्थना होती है ना उसमें मैं छोटी दुआ करती हूँ, अपने सुबह की मॉर्निंग दुआ करती हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग जो 4 बजे की मेरी दुआ है वो कंटिन्यू जाए मेरी, वो फिर मैं वो करती हूँ, उसके बाद मेरी दुआ होती है आफ्टरनून की दुआ, मैं उसमें बैठती हूँ, फिर मैं उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकती, लेकिन हाँ उस बीच दौरान मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती और मैं बिल्कुल चुपचाप रहती हूँ, मुझे लगा कुछ कहता भी है ना, पहली बात मैं उसे बोलती नहीं हूँ, अब कुछ कहता भी है ना छोड़ो, परमेश्वर यही चाहता है कि हमें जब 40 दिन की फास्टिंग करते हैं ना, लोग कहते देते हैं हम रखते हैं, लेकिन उसमें एक बुरी आदत जो अपने अंदर है ना शरीर के अंदर, या हमारे शरीर के भाव अंदर से भाव, वो निकालनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए हमें, कि हमें इस अब हमें कुछ नहीं करना। मेरे को घर में बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ, मैंने बोलने दो, यही तो हमारी परीक्षा है, यही तो चीज है कि 40 दिन की फास्टिंग में प्रभु मेरे साथ साथ मुझे मेरे अपने खुद की कमियां घटियों का बोझ है, फिर मेरे पर जो मिशन की तैयारी है, तैयारी मिशन की, यही तो कहता है, मैं सारी कांप रही हूं कि तैयारी मिशन में यही है कि उसमें यही बात वो कहना चाहता है परमेश्वर कि रोते पीटते आना है तुझे अपने घर परिवार के लिए, तेरे बाल बच्चों के का बोझ तुझ पर होगा, तेरी माँ बाप का भी होगा, तेरी पत्नी का भी होगा, तेरे खुद का भी होगा, बहुत सारा पोटला तैयार हो जाता है अपनी बात बोल रही हूँ, यही के बस मेरे को बस दो बातों की चिंता है, एक मेरा घर हो जाए और इसके हाथ पीले हो जाए, उसके बाद मुझे प्रभु चाहे उठा ले चाहे कुछ भी करे, फिर मेरे को चिंता नहीं है किसी चीज की। प्रभु धन्यवाद है, आप प्रभु कहता है आपको धैर्य रखो, प्रभु ने आपको आपका युद्ध जिता रखा है, लेकिन कुछ चीजों को समझना समझती हूँ मैं, लेकिन मुँह की जो जिस इंसान ने सबसे बड़ी बात क्या, क्योंकि याकूब 4 में भी कहता है ना, जिसने अपने मुँह की चौकसी कर ली उसने जग जीत लिया, ये मैं तो नहीं कह रही ना, वचन में लिखा हुआ है, और मैं अभी तैयारी भी करूंगी तो खुदा बाप की मर्जी है कि प्रभु मुझे देगा बोलने के लिए सामर्थ देगा, चाहे मैं 2 ही वचन पे बोलूं लेकिन थोड़ा सा बोलूंगी, 5 मिनट का बोलूंगी, कि प्रभु की इच्छा हो मेरे जीवन में, मेरी नहीं प्रभु की इच्छा पूरी, प्रभु की इच्छा जब पूरी हो, और जब आप प्रभु आपको बुलाट देगा तो बोलने की ताकत भी देगा, मैंने कहा प्रभु मैं शब्द तेरे होंगे मुंह मेरा होगा बस। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि उपवास बहुत एक ब्लेसेड आशीर्वादित चीज है, उपवास मुझे और आपको करना चाहिए, और ये खासतौर पर लैंड्स के जो उपवास होते हैं ये रखे इसीलिए गए हैं कि हम अपने परिवार के लिए मनादी कर सके परमेश्वर से, उसके आगे घुटने सजदा करके जैसे भी है विश्वास से 40 दिन के उपवास लेकर चल सके। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आशीष दे, अनुग्रह करे, हमारे जीवनों में जो आफतें हैं परेशानियां हैं प्रभु जानता है, लेकिन इसमें ये चीज है देखने वाली कि हमारे कष्ट और हमारी पीड़ा हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी हो, हमारे दुख हमारी परेशानियां हो सकता है कि हमारी संगति से कहीं ज्यादा बड़ी हो, तो ये 40 दिन के जो उपवास होते हैं ये हमें बल और ताकत देते हैं, हमें 24 घंटे परमेश्वर के हजूरी में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें परमेश्वर के आगे परमेश्वर को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मेरा ये बेटा ये बेटी अपने परिवार के लिए अपने घर घर आने के लिए और अपने खुद के जीवन के लिए प्रायश्चित में चल रहा है और सबसे बढ़कर बात है कि इस योएल नबी के अनुसार 13वें
और 14वीं आयत में लिखा है, 13वीं आयत में सारी क्वालिटी यीशु मसीह की लिखी है कि वो विलंब से कोप करने वाला दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यीशु मसीह की सारी क्वालिटियां हैं। और कहता है कि 12 से लेकर 14 आयत के बीच में 13वीं आयत में यीशु है बीच में, फिर यीशु मसीह के साथ हम ये उपवास की अपनी फास्टिंग करते हैं, फिर यीशु मसीह के साथ होकर परमेश्वर 14वें वचन को संपूर्ण करता है, पूरा करता है। कहता है कि फिर क्या जाने परमेश्वर तेरी ऐसी की ऐसी करके पछताए, है ना। वो नहीं चाहता था किसी भी घर को बर्बाद करना, लेकिन उन घरों ने परमेश्वर का तिरस्कार किया, उन घरों ने परमेश्वर के बगावत की, उन घरों ने परमेश्वर को मान सम्मान नहीं दिया, तभी उन घरों में श्राप गया। परमेश्वर जब से थोड़ा ना बेचता है, ये तो लोग अपने आप कमाते हैं, अपने कर्मों से कमाते हैं। परमेश्वर ने यही इसीलिए तो ऑप्शन दिया यीशु मसीह का कि परमेश्वर के श्रापों से इंसान बच जाए। बेसिक पॉइंट यही था परमेश्वर का। इसीलिए योएल नबी में 13वीं आयत में यीशु मसीह आकर हम प्रायश्चित करते हैं यीशु मसीह के साथ, तो प्रभु परमेश्वर हमको पछता कर कहता है कि आशीष दे परमेश्वर। फिर हमें आज हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को, अब कई कई चर्चों में गुल्लकें दी जाती है, मैं भी देता हूँ, है ना, क्योंकि घर में घर घर तो मैं जा नहीं सकता। अब फास्टिंग पे चलेंगे तो विश्वास और कर्म करना जरूरी है, ठीक है। तो वो अन्न बलि और जो अर्घ के विषय में लिखा है, अन्न बलि हमारी रोज की फास्टिंग प्रार्थना है, दुआ है, और अर्घ जो हम दे रहे हैं, है ना, तो अर्घ तो इसमें दिया जाता था। हमारा अर्घ जो है विश्वास है, वो रोज का यीशु मसीह में अपना उपवास का भाग, उपवास का भाग निकालना, वो उस गुल्लक को विश्वास से उसमें ऑफरिंग डालना, परमेश्वर को त्याग का पैसा देना। पैसा पैसा नहीं होता है, वो विश्वास का बीज होता है जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा बो रहे हैं, उसका ही उसको दे रहे हैं, है? हाँ, वो उसका है, वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रायश्चित के साथ साथ परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप 14वें वचन के अनुसार हमारा अन्न बलि और हमारा अर्घ दोनों स्वीकार करें, तभी ब्लेसिंग आपकी और मेरी प्रायश्चित संपूर्ण तरीके से परमेश्वर मसीह यीशु में कबूल करके आशीष देगा। खुदावन मुझे और आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।